से गलत फहमी हो गई, लोग गलती से हमारे को ऐसा बोल के लेके गए, वो गलती की माफी चाहते हम लोग जो कर कोई भी नहीं ऐसे पूरे औरत में दे रहे दे रहे दे रहे बोले तो हम लोग चले गए औरत के पीछे, कोई भी आदमी आके नहीं बोले, औरतें बुला रहे थे सब जने मिलके पूरे जने दारू सलाम को चले गए, दारू सलाम से क्या हुआ वहाँ नहीं दे रहे चलो 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 बोलते सब जने भगा दिए तो आ गए, आज तो मैदान में नहीं फोटो लेना है ठहर जाओ बोले तो ठहर गए हम लोग, अब उनका तो ना नाम तो मेरे को नहीं मालूम मगर ठहरो पूरे लाइन से ठहरो बोले बोले औरतें बोले पूरे लाइन से ठहरो बोले तो ठहर गए हम लोग, लेडीज को वहाँ बुला रहे बोल के नगर इब्तदाई सदर मिर्जा रफीक बेग जो कल जो मेरे खिलाफ साजिश की गई चंद लोगों को बुला करके पैसे दिए दे रहे बोल के बुलाए पैसे दे के बुला रहे बोल के क्या करे उन लोगों को सिखा दे के चढ़ा दे के मेरे खिलाफ जो साजिश रचे थे कई लोग बोलो तो एक एक घर से उनके जो मेरे खिलाफ करे थे उनके वालदा खुद पैसे आके लिए बाद में भी पैसे उनके वालदा लिए बाद में भी उनकी लाइन में ठहरा के मेरे खिलाफ करे के नहीं मिले बोल के ऑलरेडी बल्दिया वाले उनकी भी फोटो लेके गए, रहा सवाल मेरे को फ़ोन करे उनके मेरे भांजे को और भांजी को भी पैसे होना यतीम है बोले, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने यतीम है तो आपके पैसों से दीजिए पर्सनल, अब जितने भी मेरे को जब 80 लोगों की जिम्मेदारी लिया मैं 80 लोगों घर डोर टू डोर पूरे जनों को ले जाके दिया उसे मजाइन मैं नहीं दे सकता, इंशाल्लाह हम जमात को बोल के ये कोशिश कर रहे कि पूरों को दिलाने की कोशिश कर रहे कि फर्स्ट फ्लोर को भी सेकंड फ्लोर को भी आगे भी जीतों को नहीं मिला उनको भी हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, हमारा काम कोशिश करना है, तुम ले लिए तुम खा लिए बोल के पूरों को जमा कर ले के बोल के क्या बुलाए बोले तो उन लोगों को पैसे दे रहे बोल के बुलाए दिए कल एक को किसको भी नहीं, सब गलत फहमी का शिकार हो गए बेचारे, अब ये लोग देखो जो भी नहीं मिला हो सकता तकलीफ है उनको मैं समझ रहा हूँ चीज़ इंशाल्लाह हम कोशिश करें कराने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे क्या कराने की नहीं बोल के नहीं और आगे चल के भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मगर उसको कुछ दूसरा पहलू का रुख दे दे के ये बोल रहे कि इनको नहीं दिए इन्हों खा गए इन्हों ये करे इन्हों लीडर हमारे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए बोले तो हर एक को लेकर चलना पड़ता, लॉकडाउन में भी हम जमात लॉकडाउन में भी सबूत है हम जमात के तरफ से भी दिलाए पर्सनल भी दिलाए, खुद अगर जो मीडिया वाले जो शो कर रहे थे कोई साबरी बोल के उसके साथ में जाके खुद फिर रहे थे मगर एक बस्ती में आ सक के एक दाना किसी को उन्होंने नहीं दिलाए, मेरे पास सबूत है अरशद नामी कोई रिपोर्टर है वेबसाइट के रिपोर्टर है उनकी उनका मेरे पास वो भी है रिकॉर्डिंग भी है जो उन्होंने मेरे को भेजे सो अब हेलो आ रही आवाज़ हाँ आ रही जी कौन अरशद बात कर रहा हूँ कौन बात कर रहे रिपोर्टर साहब बात कर रहे पटेल नगर के हाँ बोलो रिपोर्टर साहब खैरी है वहाँ पर चाह भाई पूरी बस्ती में पैसों के गुजारा कर रहा हमारे भांजे भांजे है ना उनकी अम्मा है ना बाबा हम लोग को नहीं मिले ये वो नीचे मस्जिद तक की एक एक और इनके वालदा लिए जो भी फोटो है फोटो भी बतलाता हूँ मैं ये चीज़ की नहीं लिए बोल के नहीं इनके वालदा को ठहरा के क्या बोले तो लीडर कौन है तुम्हारा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है आवाम को प्रॉब्लम नहीं है सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम दिख रही इनके वालदा को भी लाइन में ठहराए आवाम को प्रॉब्लम ही नहीं है इनको प्रॉब्लम ज़्यादा है इस बात की प्रॉब्लम है इनको क्यों बोला तो इनके भांजे भांजी को पैसे नहीं मिले गए मैं मेरा काम हर एक घर से एक एक को दे रहा हूँ इनके वालदा को भी बुला के दिया हमें दिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद।